good afternoon to all the viewers, students. So today I welcome you all in the first session of DECE 2 second paper, that is Child Health and Nutrition. Now this paper is very important. Now as we know, food plays a very important role in our lives. Okay, khane ka main role hai जिसके कारण हमारी ज़िंदगी चलती है, हमें नरिशमेंट मिलती है. ओके, हम कह सकते हैं खाना ज़िंदगी देने वाला. नाउ बट द मेन थिंग टू लुक एट इज़ दैट ईटिंग द प्रॉपर काइंड ऑफ फूड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टू इन राइट अमाउंट. एक कहावत है हिंदी में, कई लोग जीते हैं खाते हैं जीने के लिए, और कई जीते हैं खाने के लिए. सो खाना चाहिए जीने के लिए, या जीना नहीं चाहिए खाने के लिए. ठीक है, सो ईटिंग द प्रॉपर काइंड ऑफ फूड इन राइट अमाउंट, ओके, दैट इज असेंशियल टू कीप अस हेल्दी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग अबाउट दिस लेक्चर, यू मस्ट नो व्हाट इज न्यूट्रिशन आल्सो. ओके, नाउ न्यूट्रिशन इज द साइंटिफिक यू कैन स्टडी ऑफ फूड. ओके, एंड हाउ दैट फूड इज यूटिलाइज्ड or used by the body. Okay, so we will talk about today about the food and its function and what is nutrition. Okay, so we can say in a nutshell that food is anything which nourishes the body. Okay, usme solids bhi aa sakte hain, semi solids bhi aa jaate hain, liquids bhi aa sakte hain jo hum log lete hain, aur wo hame hamari zindagi chalne ke liye help karte hain aur hame healthy rakhte hain. Now food is a basic necessity. Okay, why? Now why food is essential or basic necessity? Because it contains certain substances, okay, which perform important function in our body. Okay, और ये जो essential substances होती हैं जिनको हम खाने के माध्यम से लेते हैं, उनको हम कह देते हैं nutrients. Okay, अगर ये nutrients तत्व, पौष्टिक तत्व हमारी खाने में सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसका जो नतीजा है हमारी हेल्थ पे दिखेगा, और हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और धीरे धीरे बिना पौष्टिक आहार मिलता रहेगा या लेते रहेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी डेथ का कारण भी बन सकता है. ओके, तो खाने में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते, उसमें काफ़ी नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस होते हैं. इनका कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता, जस्ट ये एक कह सकते हैं आँखों को अच्छा लगने के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ये कलर्स एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस. ओके, नाउ एज फूड हैज़ गॉट अ नंबर और सेवरल न्यूट्रिएंट्स. ओके, देयर आर ओवर 40 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, 40 तत्व होते हैं जो इनको हम असेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे खाने के दौरान हम लेते हैं. ओके, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स, 40 न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेजर कैटेगरी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स. ओके, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट आ गए, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ न्यूट्रिएंट एज वेल एज फूड. ओके, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. नाउ हर एक जो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी है उसका एक खास फिजियोलॉजिकल रोल होता है बॉडी में प्ले करने का. ओके, फिजियोलॉजिकल रोल साइकोलॉजिकल फंक्शन इन एडिशन टू फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑल्सो. ठीक है, फंक्शन ऑफ फूड में हम जैसे इन बॉडी बिल्डिंग भी फूड से होती है, प्रोटेक्शन भी फूड करता है, रेगुलेशन भी करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो करता ही करता है. ठीक है, सारे के सारे बाकी के सोशल और साइकोलॉजी भी आ जाते हैं ना. फिजियोलॉजी की फंक्शन जो होते हैं फूड द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं, वो स्पेशली एनर्जी गिविंग आ जाते हैं, या बॉडी बिल्डिंग, जहाँ प्रोटेक्टिव या रेगुलेटरी आ जाते हैं. क्यों? बिकॉज एनर्जी, पहले हम बात कर लेते हैं, एनर्जी हमें चाहिए हर एक काम करने के लिए बॉडी में. ठीक है, चाहे हम बैठे हुए हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम भागेंगे. ओके, और एनर्जी गिविंग फंक्शन ऑफ फूड इज़ बेसिकली परफॉर्म्ड बाय टू
न्यूट्रिएंट कैटेगरीज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये काम करते हैं। ओके, फूड हमें ग्रोथ के लिए भी चाहिए, रिपेयर के लिए भी चाहिए। ओके, नाउ द अदर मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन विच इज फूड आर द प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन। ओके, प्रोटेक्टिव रेफर्स टू द रोल ऑफ फूड इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन by ensuring proper functioning of the body system which is responsible for fighting the infection. Okay, अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन कोई हो गया या किसी और तरह का कोई बीमारी हो जाती है, खाना होता है या उसमें जो जरूरी तत्व होते हैं वो उसकी रैपिड जो रिकवरी है उसमें हेल्प करते हैं। ओके, जो पर्सन या जो इंसान की डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो उसको किसी बीमारी से बाहर निकले में बहुत समय लग जाएगा। ओके, और दूसरा फंक्शन प्रोटेक्टिव के बाद आता है रेगुलेटरी फंक्शन। के मसल्स हैं वो चाहे, ठीक है, एंड दैट ईच ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज कंट्रोल्ड। ओके, नाउ हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो 98.4 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 98.4 डिग्री फॉरनहीट कह देते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं। इसी तरह हमारा हार्ट बीट होती है। नाउ यू आर ऑल्सो प्रोबेबली अवेयर दैट सेवरल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी। ओके, और इन्हीं केमिकल रिएक्शन के कारण कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, और ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं इनको हम दे आर यूज्ड टू बिल्ड मोर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी। ओके, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी जो फंक्शन है ये इनमें इनको मेन हेल्प करते हैं हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, इसमें प्रोटीन्स भी पार्ट प्ले करते हैं और वाटर भी। ना मैंने बात की थी कि खाना एक सोशल फंक्शन का भी काम करता है। हाउ? नाउ व्हेन वी शेयर फूड, हम खाना अगर बांट के खाते हैं तो इससे हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स है बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। ओके, अर्लियर पहले क्या होता था, ओनली पर्सन विच यूज टू बी ऑफ इक्वल स्टेटस वो ही इकट्ठे खाते थे। ओके, अपने से नीची जात वाले साथ नहीं खाते थे। और आपस में मिलने का एक जरिया बनता है, एक इंटरेक्शन का जरिया बनता है। ओके, नाउ फूड इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू आवर इमोशंस। ओके, इट ऑफन सर्व्स एज अ रिवार्ड। ओके, जब भी कोई बच्चा, सपोज हम जब छोटे थे, जब हम क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते तो हमारी माताजी हमें खीर प्रसाद ये चीज़ें मिलती, तो एक तरह रिवार्ड होता था, शाबाशी होती थी। कई बार पेरेंट्स आइसक्रीम लेके देते थे बच्चे को। ओके, ये चीज़ें अब तो इतनी नहीं है मैं कहूँगा, पर पहले इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता था, अब तो ये चीज़ें आम हो गई हैं। ओके, सो इन दिस मैनर दैट पर्टिकुलर फूड आइटम इवोक्स अ प्लेजेंट फीलिंग ओके इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टन फूड व्हिच इज जस्ट टोटली एसोसिएटेड विद सिकनेस। इनमें आप एग्जांपल दे सकते हो, ज़्यादातर बीमारी में जो खाना खाते हैं जैसे खिचड़ी आ जाती है,
ठीक है, ये हमारे इंडिया में ज़्यादातर इसको प्रेफर किया, हल्का होता है, डाइजेस्ट करना आसान रहता है, तो बीमार इंसान को खिचड़ी देते हैं। ओके, देन कम्स द वर्ड न्यूट्रिशन। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। अब खाने में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और नॉन न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ हमारे जो शरीर है उसको हर एक न्यूट्रिएंट की एक खास मात्रा में ज़रूरत होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या पानी हैं, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो इनको हम कह देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो विटामिंस हैं या मिनरल्स हैं जिनकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। पर ये इक्वली एसेंशियल है दोनों चीज़ें, ये नहीं है जो कम मात्रा वाले हैं जो ना भी लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं नहीं उनकी एसेंशियलिटी उतनी है, बिकॉज ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बॉडी। ओके, जैसे मिनरल है या कैल्शियम है, ये हमारे दांत या बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, उनके बनने में हेल्प करता है। ओके, देन सिमिलरली कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनके खास फंक्शन होता है। ओके, कई बार इंटरेक्शन भी दो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प करती है किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में। नाउ द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड जस्ट बाई टेकिंग और कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस है तो ये प्रिवेंट करेगा बॉडी फ्रॉम टेकिंग इन इनफ ऑफ कैल्शियम। ओके, तो इससे इम्बेलेंस हो जाएगा, फॉस्फोरस ज़्यादा आ गया फिर कैल्शियम नहीं इतना आएगा, सो इम्बेलेंस हो जाएगा कैल्शियम और फॉस्फोरस में, तो इससे हमारे जो हड्डियाँ हैं शरीर की और जो दांत हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इम्बेलेंस कैन बी करेक्टेड जस्ट बाई कंज्यूमिंग फूड्स डैट सप्लाई द टू न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, सो I would say the term balance means the nutrients needed by the body should be provided in the right amount and right proportion. That is very essential for good health. Okay. Now, अब हमारा शरीर खाने को कैसे लेता है, कैसे हैंडल करता है? जब भी हम खाने को अपने मुंह के माध्यम से अंदर लेके जाते हैं, पहले हम उसको चबाते हैं, फिर उसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमारी फूड पाइप जो इसोफेगस पाइप होती है उससे स्टमक में आ जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद वो एक काफ़ी लंबी कॉइल ट्यूब होती है जिसको हम इंटेस्टाइन कह जाते हैं, उसमें आ जाता है। सो जैसे जैसे अलग अलग ये ऑर्गन से पास होता है तो नेचर ऑफ जो फूड होती है वो चेंज होती जाती है, ठीक है, और अल्टीमेटली इट इज़ बींग कन्वर्टेड इंटू यूटिलाइजेबल फॉर्म। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइजेशन। ओके, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की और बॉडी को अवेलेबल होते हैं इन अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज देम, ओके, दैट मूव देन इट मूव्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। ओके, तो इसको हम जब खाना इंटेस्टाइन से ब्लड में चला गया उसको हम एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ओके, और फिर ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है यही न्यूट्रिएंट्स को टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। ओके, नाउ food has also special meaning in the social and cultural context also. Okay, our ancient Vedic tradition jo thi that emphasizes food as a life giver. Okay, it further attributes specific qualities to specific food. Okay, you must have now realized that why nutrition concern itself not only with the body's handling of nutrients and other food components but also with food acceptance. Okay, we cannot expect members of a community to immediately accept a food just because it is rich in nutrients. Okay, so har culture ka ek alag tarah ka khana hai, theek hai, hinduon ka khana alag tarah se hai, musalmanon ka khana ek alag tarah se hai, सो वो उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। ओके, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द व्हाट वी ईट। ओके, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल सरोज है एक लड़की जो प्री स्कूलर है, ठीक है, जो तो उसका जो बड़ा भाई है उसको शरारत से एक करेला दे देता है। ओके,
पर वो करेला नहीं होता, वो असल में एक सपोज आप समझ लो उसने शरारत से एक चूहा फ्राई किया वो दे दिया, ठीक है। पर एक्चुअली दी वे सरोज मदर प्रिपेयर दी वेजिटेबल देर वर सम रिजेंबलेंस, सो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो उसको वो कभी भी खाने का सोच नहीं सकती क्योंकि एक बार उसके साथ ऐसा मजाक हो चुका है। सो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है ना। जो खाना है डैट कॉस्ट मनी, पैसा लगता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी वी कैन स्पेंड ऑन फूड इज अ मेजर फैक्टर डैट डिटरमाइंस व्हाट वी ईट एंड हाउ मच वी ईट। सो बाय एंड लार्ज अवर डाइट इंक्लूड ओनली दोज फूड विच वी फाइंड अवेलेबल एंड ऑल्सो अफोर्डेबल। दिस आस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से इन प्रैक्टिकल टर्म्स। देर इज नो पॉइंट रिकमेंडिंग एक्सपेंसिव फूड्स टू अ पर्सन हु कैन बियरली अफोर्ड लो कॉस्ट ऑफ फूड, ठीक है। सो इन बातों का डाइटिशियन भी ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर्स को भी। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल डैट इज ऑल्सो इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। इन इंडिया टूडे ऑफकोर्स इवन दो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज हैज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड, फूड इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल। काफ़ी अभी लोग होंगे जिनको पूरी मात्रा में खाना नहीं मिलता, ठीक है। सो अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। ये नहीं है कि पिछले काफ़ी समय के दौरान हमारी फूड की प्रोडक्शन स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इतनी हो गई है। उससे पहले तो हमें जो हमारा अनाज है या चावल है बाहर से मंगाना पड़ता था, देशों पे डिपेंडेंट थे। अब ऐसा नहीं है ना। चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन दे हैव गॉट इंटर रिलेशनशिप। न्यूट्रिशन इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अगर सही खाना, बैलेंस्ड डाइट या सही न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे बच्चे को तो उसकी हेल्थ सफ़र करेगी। न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ दी मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। यू कैन से गुड न्यूट्रिशन इज़ अ प्री रिक्वेस्ट फॉर गुड हेल्थ। अगर सही तत्वों वाला खाना नहीं है तो हम नहीं मिल रहा है बच्चे को तो उसको हम माल न्यूट्रिशन कह देते हैं, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी और एक्सेस और इम्बेलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खाना में अलग अलग तत्वों की मात्रा सही ना होनी और उससे जो सेहत पे प्रभाव पड़ेगा, उसका नुकसान होगा सेहत का, उसको हम माल न्यूट्रिशन कह देते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल अनीमियाज एक टर्म है डैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री। इन इंडिया देर आर वेरी दिस इज़ वेरी कॉमन इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड मोर सो इन आई वुड से इन प्रेगनेंट वुमेन एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। अनीमिया इज़ अ कंडीशन जब हीमोग्लोबिन है लेवल इन ब्लड डैट फॉल्स बिलो द नॉर्मल लेवल। और हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो लाल रंग देता है ब्लड को, जिसके कारण लाल रंग है हमारे खून का, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल दी सेल्स इन द बॉडी। तो जो इंसान चाहे कोई भी है, बच्चा है या औरत है, अनीमिया है तो वो जनरल वीकनेस फील करेगा, उसकी फिजिकल काम करने की क्षमता बहुत कम होगी, ठीक है। वो जल्दी थकेगा, उसको सांस जल्दी चढ़ेगी, ठीक है ना। अनीमिया कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी लाइक कारण फॉलिक एसिड, विटामिन B12। इसको हम आगे जाके और डिटेल में करेंगे ना। अ डिजीज डैट वी इजिली रिलेट टू ओवर न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीम ओवरवेट और ओबेसिटी। व्हेन अ पर्सन टेक्स इन मोर एनर्जी देन ही और शी इज एबल टू स्पेंड ऑन देयर डेली एक्टिविटीज डैट गोज ऑन अकोमुलेटिंग इन द बॉडी। और उसका रिजल्ट क्या होगा? मोटापा बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेट बहुत बढ़ जाएगा, तो उसके साथ साथ उसकी बॉडी की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। द फैक्ट इज डैट द हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ ओबेसिटी आर फार मोर सीरियस, ठीक है, वो ज़्यादा नुकसानदेह हैं, ठीक है।
तो जो इंसान बहुत बिना मतलब ज़्यादा खाता होगा, बहुत मोटापे में होगा, तो उसको हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएंगी। ओके, एंड दी हैज़र्ड्स ऑफ सर्जरी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ आर ग्रेटर इन ओबीज इंडिविजुअल्स। ओके, और ओबेसिटी कारण आपको रेस्पिरेटरी, सांस लेने की भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसीलिए कह देते हैं कि बचपन में हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहा है, मोटापा आ रहा है, तो उसको उसका डाइटिशियन को, डॉक्टर को उसको जल्दी से दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर बड़ा होने के बाद वो चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ती और कई तरह की बीमारियां बच्चे को लग जाती हैं, फिर वो सारी उम्र जाती नहीं है। ओके, देन देर इज़ वन टर्म कॉल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, एज इट इज़ अफेक्टेड बाई द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस बेसिकली इम्प्लाइज अ सफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, नाइदर उसकी डेफिशियंसी है नॉर एक्सेस है। ओके, जिसके बारे में हमने अभी बात की है, सो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस उसको कह देते हैं। हमने बात कर ली कि हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी आपस में संबंध है, उसी तरीके से माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का भी आपस में संबंध है, वो भी इंटरेक्शन है उनमें। ठीक है, अगर बच्चा वीक होगा तो बहुत जल्दी बीमार होगा, ठीक है ना, उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी आएगा, उसको खाना अगर सही नहीं मिल रहा होगा तो उसके शरीर में कमियाँ रह जाएंगी, उसके वाइटल ऑर्गन अच्छे से बढ़ेंगे नहीं, ग्रोथ नहीं आएगी, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक रह जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक रह जाएगा तो उसको जो कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लगेगी। ओके, नाउ देर आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन। ओके, माल न्यूट्रिशन के क्या कारण क्या है, देर इज रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी जो स्किन है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी नाड़ियों अंतरियों के अंदर एक कह सकते हैं पानी जैसी परत होती है वो बहुत कम होगी, ठीक है, जो हमारे कई तरह के खाने को निगलने में हेल्प करती है। ठीक है, सो माल न्यूट्रिशन एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन दैट इज़ ऑल्सो इंटरलिंक। ओके, ड्यूरिंग डाइजेशन द इंजेस्टेड फूड इज पुश्ड बेसिकली डाउन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मसल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, प्रॉपर मूवमेंट होनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। ओके, जो बच्चा या इंडिविजुअल जिसमें माल न्यूट्रिशन है उसमें ये मूवमेंट स्लो हो जाएंगी, तो उसमें खाने की मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी। ओके, तो वो जो खाना है ज़्यादा समय लिए अवेलेबल होगा वॉर्म्स के लिए। ओके, खाने के साथ जो कह लो पर्सन ले लेता है, तो अगर खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है तो वॉर्म्स को एक्शन करने का टाइम नहीं मिलता, कोई भी इन्फेक्शन उसको एक्शन करने का टाइम नहीं मिलता। जब ये मूवमेंट स्लो होगी तो खाने पे जो इन्फेक्शन है या वॉर्म्स, उनका एक्शन आराम से हो जाएगा और वो इंसान जल्दी से बीमार हो जाएगा। ओके, देन कम्स टू आवर नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू concept of health. Okay, now as we have talked about the importance of good health, however despite the lip surface health continues to be neglected entirely. Okay, इसको for granted लिया जाता है, हम तब तक अपनी सेहत की के बारे में सोचते नहीं जब तक वो हमसे छूट जाती है। कह देते हैं ना कि इंसान पहले तो कमाता रहता है, सेहत को साइड पे रखता है, उसको सेकेंडरी रखता है, फिर पीछे की उम्र जो होती है उसकी, जब वो एजिंग हो जाती है तो सिर्फ अपनी सेहत के लिए वही पैसे खर्च रहता है जो उसने सारी जीवन कमाए हैं। सो सेहत को, वैल्यू ऑफ हेल्थ शुड बी अप्रिशिएटेड, ओके, इन आवर लाइफ, ओके, डैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, during these few years, I would say there has been an increasing recognition of the importance of health, okay, and the need to have a definition of health that encompasses the whole quality of life. Now, what is health? Okay, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, जितना बोलना आसान है शब्द को।
जनरली जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इस शब्द को सभी उसी ढंग से नहीं लेते, हर इंसान अलग ढंग से उसको डिस्क्राइब करता है। ओके, डॉक्टर अलग तरीके से बात करेंगे, ठीक है, सोशल साइंटिस्ट अलग तरीके से, गिविंग राइज टू कन्फ्यूजन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। नाउ ट्रेडिशनली हेल्थ को हम देखते हैं कि किसी तरह का शरीर में कोई डिजीज़ नहीं होना, तो उसको हम हेल्दी कह देते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये हेल्दी है। अगर इंसान पूरा किसी भी तरह के बीमारी से सफ़र नहीं कर रहा तो उसको हम हेल्दी इंसान कह देते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ नोन एज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट। दूसरा आ जाता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ओके, इकोलॉजिकल कंसेप्ट में हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ हारमोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरमेंट। ओके, एंड डिजीज अ स्टेट ऑफ मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग टू द एनवायरमेंट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस डेट हैज ऑल्सो लेड टू वन मोर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ विच इज कॉल्ड साइकोलॉजी, साइकोसोशल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ओके, एंड दिस कंसेप्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ग्राउंड डेट हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल फिनोमेना बट इट इज ऑल्सो अ सोशल वन। ओके, नाउ द बट मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट जो है आज हेल्थ का वो है होलिस्टिक कंसेप्ट। वर्ड नोट कर लीजिए, होलिस्टिक कंसेप्ट। ओके, दिस इनफैक्ट इज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द कंसेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड। ओके, होलिस्टिक कंसेप्ट जो हेल्थ का है उसको हम कह देते हैं वेलबींग ऑफ द पर्सन इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट। ओके, सो हम कह सकते हैं ये व्यू टोटली जो एंशियंट व्यू है डेट हेल्थ एम्प्लाइज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ओके, इन अ कॉन्जिलियल फैमिली और इन अ गुड एनवायरमेंट। ओके, सो होलिस्टिक कंसेप्ट थस रिकॉग्नाइजेस डेट ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ। ओके, एंड दैट एम्फेसाइजेस द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ विच इज कॉल्ड एज होलिस्टिक कंसेप्ट। Now, there is a different definitions also given about health. Okay, WHO ने health की एक definition दी हुई है that health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease. So, सिर्फ बीमारी ना होना शरीर में health का sign नहीं है. So, complete physical, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग, सो इसमें सारी चीज़ें आ गई जो हम आप डिफरेंट कंसेप्ट में बात कर रहे थे, ये WHO की डेफिनेशन है। ओके, ये जो WHO की डेफिनेशन है हेल्थ के बारे में, दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ओके, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, सो मेन लिमिटेशन है वन ड्रॉबैक इज द एब्सेंस ऑफ मेजरेबल टर्म्स। ओके, एक और क्रिटिसिज्म है डेट हेल्थ कैनॉट बी डिफाइंड एज अ स्टेट। ओके, इंस्टेड इट मस्ट बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एडजस्टमेंट। पर फिर भी ये जो कह सकते हैं आप डेफिनेशन है WHO की, ये अभी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ओके, नाउ देयर आर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ ऑल्सो। ओके, there are the components of health cited in WHO definition. Okay, वैसे physical dimension है, physical well-being implies a state in which every cell and organ is functioning at optimum capacity and in harmony with the rest of the body. Okay, it is very important component of health. Okay, and in fact in practical term generally हम कह देते हैं person is a healthy. That a person is healthy, we are referring to this dimension, physical health. Okay, अच्छा कुछ साइन होते हैं, कुछ कह सकते हैं आप इंडिकेशंस होते हैं फिजिकल वेलबिंग के, कि उसके बाल में चमक है, ठीक है, उसकी स्किन हेल्दी है वो भी चमक रही है, ठीक है, आँखें में चमक है, ठीक है, वेट नॉर्मल हो हाइट के हिसाब से, ठीक है, मसल अच्छे से डिवेल्प, मेंटल डायमेंशन भी एक वाइटल कंपोनेंट है टोटल हेल्थ का, ठीक है,
मेंटल हेल्दी हम उस इंसान को कह देते हैं, एक तो वो कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई हो, और वो फ्री हो किसी भी अनसॉल्वेबल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, और एक डिसीजन पे जल्दी से या आराम से कंफर्टेबली अराइव करता हो, ये उसकी कह सकते हैं साउंड मेंटल हेल्थ की डायमेंशन है। सोशल डायमेंशन भी है, ओके, विच कैन वेरी वेल एडजस्ट इन द कम्युनिटी। Now, I will not go very detail in the mentions. Then we move to there are certain determinants of health also. Okay, there are multiple factors which influence the health of an individual. तो इनको हम कुछ broadly classified कर दिया था, एक genetic एक environmental है। Okay, genetic and environmental factor they constantly interact. And these interactions prove to be harmful or beneficial to the person health. Okay. Now, ये हमने जो फर्स्ट DEC 1 के जो है ऑर्गेनाइज चाइल्ड केयर में सर्विसेज में उसमें कर लिया था काफ़ी डिटेल में। सो जस्ट चीज हैं हमारे शरीर में जो जेनेटिक इन ओरिजिन होते हैं। एक एग्जांपल आपने सुनी होगी डाउन सिंड्रोम, और एक आ जाता है हेमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज़ अ जेनेटिक एनोमली विच प्रोड्यूसेस सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, और इसमें करेक्टरिस्टिक के जो फिजिकल फीचर हैं जैसे प्रोट्रूडिंग टंग है, या स्मॉल स्किन फोल्ड्स हैं ओवर द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई, ओके, द इंसिडेंस ऑफ मोटर प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, हार्ट में कोई डिफेक्ट, ब्लड वेसल्स में, ये चिल्ड्रन में ज़्यादा रहेंगे। ओके, जो पर्सन को हीमोफीलिया है, ये भी जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, दे आर डेफिशियंट इन एन एलिमेंट इन द ब्लड प्लाज्मा विच इज़ नीडिड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर कोई जख्म लग गया या कोई चोट लग गई तो खाना खून जल्दी से रुकता नहीं, इसको हम कह देते हैं पर्सन विद हीमोफीलिया डिजीज। ओके, सो देर आर मोर देन 1800 नॉन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स। ओके, और देयर इफेक्ट्स ऑन द पर्सन हेल्थ इज यूजली बोथ डायरेक्ट ऑल्सो एज वेल एज इनडायरेक्ट ऑल्सो। ओके, वेरी ऑफन हेरिडिटी सिंपली प्री डिस्पोज द पर्सन टू डिवेल्पिंग द डिसऑर्डर। ओके, a person who inherits the predisposition is more likely to develop that disease. Okay, however the environment plays a decisive role in such a case. isme main example dunga asthma aur diabetes ki. Okay, so the person's state of health therefore partly depends on the person's genetic constitution also. okay, then we have already talked about the environment in our last DEC 1 paper. Okay, now what is the importance of good health for the development of child? That is important thing. Now we would like to emphasize, I would like to emphasize the importance of good health for the optimum development of the child. Okay, the physical, mental as well as social well-being of the child has to be provided for, otherwise there is likely to be a negative impact on development of the child. Okay,
The poor health status of a child is likely to cause listlessness and negativity influence in their ability, in the ability of the child to learn and their responsiveness. Okay, जो बच्चा बीमार होगा या मॉल नरिश्ड होगा, उसके जो सही मात्रा में उसको खाना नहीं मिला होगा तत्व भरपूर, डैट मे बी डिलेड इन रीचिंग देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन. ओके, बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी, स्लो भी होगी और प्रॉपर नहीं होगी. ओके, चाइल्ड ग्रोथ कैन बी स्लोड फ्रॉम इट्स जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड कोर्स बाय इलनेस और डाइटरी डेफिशिएंसी. ओके, और वंस द प्रॉब्लम इज एलिवेटेड द चाइल्ड रेट ऑफ ग्रोथ यूजली एस्केलरेट्स एंड गेट्स बैक टू द जेनेटिकली डिटरमाइंड पैटर्न. हाउएवर इफ द इलनेस इज क्रॉनिक, ओके, and the nutritional deficiency lasting, वो चलती रहेगी, और if these have already resulted in a handicapping irreversible condition, one obviously cannot say the same thing about the individual catching up. Okay, now maintaining a good health during the critical period is especially significant. Okay, as ill health at that juncture is particularly detrimental to the child health. Okay, that has to be taken care of. Okay, now an adequate diet both before and during pregnancy as well as during lactation is essential for optimal growth and health of the baby. Okay, that is very important. Now there are certain indicators of the health. Okay, indicators, they are only just an indication, okay, to a particular situation, okay, or a reflection of that situation. Okay, when we calculate the death rate, okay, we find that in 1980s the crude death rate was 5 per 1000 population, whereas in 1990 it was 4 per 1000. इसी तरह हम और भी वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं डेट रिलेटेड टू हेल्थ, एंड देन वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट द हेल्थ सिनेरियो ऑफ द लोकेलिटी. ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट सिंस देर आर प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग हेल्थ, देर आर ऑल्सो प्रॉब्लम इन मेजरिंग हेल्थ. ओके, सो अब जो करेक्टर, जो इंडिकेटर होता है हेल्थ का, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक. ओके, एन आइडियल इंडिकेटर क्या होता है? एन आइडियल इंडिकेटर शुड बी वैलिड फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, इट शुड एक्चुअली मेजर. ओके, जो उसको मेजर करना है. ओके, वो सेंसिटिव होना चाहिए इंडिकेटर. ओके, अगर छोटी से छोटी चेंज भी आती है तो वो उसको डिटेक्ट कर ले. ओके, रिलायबल होना चाहिए. ओके, उसके अलग अलग सर्कमस्टांसिस में उसके जो आंसर्स आने चाहिए, डिफरेंट पीपल में सेम सर्कमस्टांसिस में, सॉरी, उसके आंसर सेम आएंगे. ठीक है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए. ओके, देन देयर आर सर्टन मोर्टेलिटी इंडिकेटर. सपोज मेंटल इलनेस या ग्वाइटर है, मॉर्बिडिटी रेफर्स टू द इल हेल्थ. ओके, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर सप्लीमेंट द मोर्टेलिटी डाटा इन डिस्क्राइबिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन. जो सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स का इज डैट सब क्लिनिकल केसेस गो अनरिपोर्टेड एंड आर नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन. दैट इज द बिगेस्ट आई वुड से ड्रॉबैक. ओके, then disability rates. Okay, nutritional status indicators hote hain. Now health care delivery indicator. Now in the health care delivery system, three different factors are involved. Okay, ek to health manpower, dusri health infrastructure kya hai aur population kya hai. So different indicators can be formulated by making different combination of constituents of these categories. Okay,
then utilization rates, one word. Availability of health infrastructure and of health manpower does not guarantee utilization of the same. Okay. The facilities get utilized only if they are accessible to the people and they are acceptable to the people. Now, health awareness of people as well as socio-culture factor that play an important role. Okay. Utilization of services is actually is that their actual coverage. Okay. Biological environment in which the people live and in which the disease occur. Okay. Factors are relating to air pollution, water pollution, radiation are the ones usually examined. Okay. Now, there are health policy indicator, one word. Now, the health policy of a government ultimately decide the healthcare delivery system of that country. Okay. There are the certain following indicators have become increasingly relevant, like resource allocation, okay, community involvement, political commitment. Okay. Now, what is the health situation in India? Now, by using certain indicators which we have just talked about in India, by examining the demographic profile, okay, the mortality profile. For all by year 2080. Okay, so ये policy 1983 में आई थी, दी गई थी, keeping in mind the उस समय की जो present health situation थी. So goal and target that has to be achieved 85 में target रखा था, फिर 90 में, फिर 2000 year में. ठीक है, इसके main जो highlights थी, एक तो थी कि there should be emphasis on preventing and promotive aspects of healthcare. ठीक है, और हर एक इंसान तक, उसके द्वार तक हेल्थ केयर जानी चाहिए. ठीक है, एक हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए. ठीक है, और इसमें एनजीओज की इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए हेल्थ केयर डिलीवरी में. ओके, ऑर्गेनाइज सर्विसेज होनी चाहिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए. सो इसके काफ़ी पैरामीटर्स थे. ओके, काफ़ी हद तक वो अचीव भी किए गए. ओके, so this was something about what our health concept, health ka uske indicators ke hain, different type of health cares thi, jaise primary health care bhi isme aa jati hai. Okay, now the primary health care is a new गाइड होता है, जो हेल्थ सर्विसेज और पीपल के बीच एक रोल अदा करता है. ठीक है, लिंक का रोल अदा करता है. ठीक है, जो पॉपुलेशन जिसमें 3000 से लेके 5000 तक होगी, डैट इज प्रोवाइडेड कवरेज बाय अ हेल्थ सब सेंटर विच इज स्टाफ्ड बाय वन मेल एंड वन फीमेल मल्टीपर्पस वर्कर, MPW कह देते हैं. ओके, ये MPWs बेसिकली ग्रास रूट लेवल वर्कर होते हैं, जो बैकबोन होते हैं हेल्थ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के. ठीक है, सो देर आर डिफरेंट लेवल्स
in all present in our Indian health systems or healthcare services. So with this, I will stop here, and we will continue in the second session of our